2019 में इंटरमीडिएट की परीक्षा 6 फरवरी से शुरू होकर 16 फरवरी 2019 के बीच ली जाएगी, जिसमें प्रथम पाली की परीक्षा 9:30 से शुरू होगी और 12:45 पर समाप्त होगी और द्वितीय पाली की परीक्षा 1:45 से शुरू होगी और 5 समाप्त होगी। इसके अलावा वार्षिक मैट्रिक परीक्षा 2019 की 21 फरवरी 2019 को शुरू होगी और 28 फरवरी 2019 तक चलेगी। इस परीक्षा का भी प्रथम पाली और द्वितीय पाली का समय क्रमशः 9:30 से 1:15 और 2:45 से 5 तक का निर्धारित किया गया है। इस वर्ष वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा में अब तक कुल मिलाकर 13,492 परीक्षार्थियों ने फॉर्म भरा है और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि कल दिनांक 17 नवंबर तक निर्धारित की गई है और उसके बाद शुल्क के लिए अतिरिक्त 2 का मौका 19 और 20 तारीख तक दिया गया है। इसके अलावा मैट्रिक 2019 की परीक्षा के लिए अब तक कुल मिलाकर 16,57,257 परीक्षार्थियों ने फॉर्म भरा है और इसके लिए भी फॉर्म भरने की अंतिम तिथि कल दिनांक 17 नवंबर तक निर्धारित की गई है और उसके पश्चात शुल्क जमा करने के लिए 2 का अतिरिक्त समय दिया गया है। इस वर्ष इंटरमीडिएट की परीक्षा में विशेष रूप से प्रायोगिक परीक्षा के लिए होम सेंटर का निर्णय लिया गया है, जैसा कि पूर्व के वर्षों में वर्ष 2018 के पहले के वर्षों में होता रहा है और CBSE एवं अन्य परीक्षाओं में भी प्रायोगिक परीक्षा के लिए इस वर्ष से होम सेंटर की व्यवस्था की जाएगी और यही व्यवस्था मैट्रिक परीक्षा के लिए भी, जो उनके एग्जामिनेशन होते हैं, उसके लिए भी की जाएगी। प्रैक्टिकल परीक्षा दोनों ही इंटरमीडिएट और मैट्रिक की जनवरी 2019 में की जाएगी। इंटरमीडिएट 2019 की प्रायोगिक परीक्षा 15 जनवरी से प्रारंभ होगी और 25 जनवरी तक चलेगी और इसके साथ साथ जो मैट्रिक की प्रायोगिक की परीक्षा है वह 22 जनवरी से 24 जनवरी के बीच उसकी तिथि निर्धारित की गई है।